हम सभी मानते हैं कि अगर कम समय, कम मेहनत और कम पैसों में सफलता चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो क्यों 1-1 हजार नौकरियों के लिए 1-1 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं? क्यों कोचिंग सेंटर बच्चों से भरे पड़े हैं? क्यों यूट्यूबर जो बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं? इसका मतलब यह है कि हम ये सब मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अप्लाइड हैप्पीनेस में। अप्लाइड यानी जो चीज मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुका हूं, मैं आपसे यहां पर सिर्फ उन्हीं बातों को शेयर करूंगा ताकि आपको कुछ क्लियरेंस या गाइडेंस मिल सके जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ये आपका अपना मन है, ये आपका अपना डिसीजन है, लेकिन आपसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके और क्या डाउट्स हैं जो अभी आपके क्लियर नहीं हुए हैं। तो दोस्तों मैं भी आप ही की तरह तैयारी करता था और आज मैं फिलहाल गवर्नमेंट जॉब में हूं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों आज से 3-4 साल पहले जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था तो मैं एक लाइब्रेरी में जाता था। वहां पर और बच्चे भी तैयारी करने के लिए आते थे गवर्नमेंट जॉब की। तो आज जब मुझे 1-1.5 साल हो गया है जॉब करते हुए, तो जब मैं दोबारा विजिट करने के लिए वहां पे गया तो मैंने क्या देखा कि जो बच्चे वहां पर तैयारी करने के लिए मेरे टाइम पर आते थे वो आज भी वहां पर तैयारी कर रहे हैं। तो यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आज भी वो सेम प्रेशर झेल रहे हैं जो मैं उस टाइम पे झेलता था। और यह बहुत ही बहुत मुश्किल टाइम होता है क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है, सेल्फ स्टैंड होने का प्रेशर होता है, इतने सारे खर्चे होते हैं, तरह तरह की चीजें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं और उस बीच हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो ये प्रेशर झेलना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने के का विचार आया ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगर वो क्लियर हो जाते हैं, उनको कुछ गाइडेंस मिल जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपकी जॉब नहीं लग रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में हम बात स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो पहला पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है, सभी जानते हैं इसके बारे में, वो है प्रिपरेशन। आपको ये चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन में कहां कमी है। इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस बारे में आप सबको पता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें ध्यान में रखनी है प्रिपरेशन के टाइम। नॉलेज और गाइडेंस की आज के जमाने में कोई कमी नहीं है दोस्तों। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है जहां से आपको नॉलेज मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है। आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं वहां आपको मिल रही है। कमी आपकी हो सकती है फोकस विद हार्ड वर्क। आपका फोकस एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में है या नहीं और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या नहीं, आपने सिर्फ इतना ही चेक करना है। दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रेक्शंस होते हैं, हम अपना कीमती टाइम बहुत जगह देते हैं। हमारी फैमिली है, हमारे पास मोबाइल फोन है, टीवी है, फ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कुछ भी हो सकता है जहां पर हम अपना समय देते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप कहां पर समय ज्यादा दे रहे हैं। हर चीज एक लिमिट में ठीक रहती है, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस कर जाती है, ये डिस्ट्रैक्शन ही आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लगने का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। तो आपने अपनी लाइफ के सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है या कम कर देना है, लिमिट कर देनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको फोकस विद हार्ड वर्क, इस पे ध्यान देना है कि क्या आप ये कर रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ये तो था कॉमन पॉइंट, अब मैं बात करूंगा मेन पॉइंट की, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे जॉब नहीं लग पाते, वो है कॉन्फिडेंस। हाँ दोस्तों कॉन्फिडेंस। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि पता नहीं यार मैं जॉब लग पाऊंगा या नहीं लग पाऊंगा, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं,
मुझसे ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कैसे जॉब क्लियर कर पाऊंगा या मैं कैसे जॉब ले पाऊंगा, उनको कैसे बीट कर पाऊंगा। इतनी सारी भीड़ है, लाखों लाखों एग्जाम लोग दे रहे हैं और सिर्फ कुछ जॉब्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये डाउट है तो आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस कम हो जाएंगे। दोस्तों, आपके मन में डर नहीं आना चाहिए कि मैं जॉब लग पाऊंगा या नहीं लग पाऊंगा, सबसे मेन बात ये है। तो आपके मन में कॉन्फिडेंस 101% होना चाहिए। दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, फोकस विद हार्ड वर्क, सेकेंडली कॉन्फिडेंस। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। नॉलेज और गाइडेंस की कमी तो है नहीं। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ बच्चे इस पर सहमत होंगे मुझसे और कुछ नहीं होंगे। ये पॉइंट है लक। क्या दोस्तों आप लक को मानते हैं कि हाँ लक होता है या नहीं होता? दोस्तों, स्टार्टिंग में जब हमें कुछ नहीं पता होता इस दुनियादारी का, तो हम मानते हैं कि लक होता है, जो कर रहा है भगवान कर रहा है। लेकिन एक स्टेज के बाद जब हमारा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है और हम विचारने लगते हैं, तर्क करने लग जाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि लक वक कुछ नहीं होता, मेहनत करो और आपका आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस कर जाते हैं, लोगों को देखते हैं, खुद अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका कंसेप्ट दोबारा से चेंज हो जाता है, नहीं लक भी काम करता है। मेरा मानना यह है कि लक भी आपका यहाँ पे काम करता है। सबसे पहले मैं अपना एग्जांपल दे दूं। जैसे जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, तो जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ और बच्चों का भी रिटर्न क्लियर हुआ, कुछ बच्चों के मुझसे ज्यादा मार्क्स थे और कुछ बच्चों के मुझसे कम मार्क्स थे। तो जब हमारा इंटरव्यू हुआ और जब लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन हो गया जिनके मुझसे कम मार्क्स थे, और ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन रह गया जिनके मुझसे ज्यादा मार्क्स थे। अब ये कैसे हुआ? मेरा भी सिलेक्शन हो गया, अब ये कैसे हुआ? ये मैंने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग इंटरव्यू अलग अलग जगह में हुए थे और उनका लेवल ऑफ इंटरव्यू सबका अलग अलग था। कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ हिंदी में एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ बोलते थे नहीं आप इंग्लिश में इंटरव्यू दो। तो ये क्या था? ये लक था कि आपको कैसा पैनल मिला। तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, तो आप अपना एग्जांपल लीजिए कि आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग सेम होता है, वो एक एक दो दो नंबर से एक दूसरे से पीछे रहते हैं हमेशा, और जब एग्जाम देते हैं तो उसमें से एक दो बच्चों को क्लियर हो जाता है, बाकी का रह जाता है। ये कैसे होता है? क्या उसने उस चीज की एक नंबर की कम तैयारी की थी? ऐसा नहीं होता दोस्तों। आईएएस में आप देखते हो कि एक एक नंबर से कितने कितने रैंक लोग नीचे आ जाते हैं आईएएस एग्जाम में, तो क्या वो एक नंबर की उन्होंने तैयारी कम की थी? नहीं दोस्तों, एक नंबर का तो तुक्का भी लग सकता है। तो ये क्या था? ये लक था। तो अब आप इस लक का मिसयूज भी कर सकते हैं, हाँ जी लक से ही नौकरी लगती है तो रहने की तैयारी मत करिए। लेकिन मैं यहाँ पर उल्टा बोलता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी नौकरी सिर्फ लक की वजह से नहीं लग रही, तो आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन पूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो कभी ना कभी आपका पेपर आपकी तैयारी के हिसाब से आएगा और एक दो तुक्के भी आपके ठीक होंगे और आपकी जॉब लग जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा, तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आप तैयारी करते रहिए और पेपर देते रहिए। तो दोस्तों, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। मैं मानता हूं कि नौकरी ना लगने के सिर्फ यही कारण है, आपकी प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस और लक, ये तीनों चीजें जिस दिन एक साथ हो जाएंगी आपकी जॉब लग जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए। आपके और क्या डाउट है आप मुझसे वो पूछिए। आने वाली वीडियो में हम और डिस्कशन करेंगे कि मैं कैसे जॉब लगा, मैंने अपनी तैयारी कैसे की, तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।